नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। सो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, जैसा कि क्या आपका सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है। सो दोस्तों, उससे पहले बता दूं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारी हैंडसम यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें अकाउंट सेक्शन के साथ साथ कलर की है, स्टेनोग्राफर की है, और भी यहाँ पर जो है 12 से लेके 15 प्रकार की वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो दोस्तों, यह बिल्कुल नॉन टेक्निकल यहाँ पे वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं, नॉन टीचिंग वैकेंसीज जो कि ग्रुप बी और सी की रहने वाली। सैलरी आपकी काफ़ी हैंडसम है, यहाँ पर आपकी सैलरी 50,000 रुपये से लेके 1.5 लाख तक सैलरी रहने वाली है। सो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। यह आपकी जो वैकेंसी है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल जो साइंस एंड जो यूनिवर्सिटी जो रिसर्च सेंटर है, जो साइंस की लैब है, यानी जो रिसर्च सेंटर है दोस्तों, उसके अंदर ये वैकेंसीज आ चुकी है, जो देश की फर्स्ट जो फार्मेसी यूनिवर्सिटी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये जो फार्मेसी है वो इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी रहने वाली है। यहाँ पर ये जो है बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो कि आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली के अंदर रहने वाली है, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCT के अंदर ये काम करेगी, जो कि बिल्कुल भारत सरकार के अंदर आती है, और आपकी जॉब लोकेशन भी यहाँ पे जो है न्यू दिल्ली रहने वाली है। सो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हैंडसम आपकी पोस्टिंग आ चुकी है। अभी इसका पूरा नोटिफिकेशन तो आउट नहीं हुआ है, बट इनका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। सो नंबर आपकी एक पे वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर की, आप देख सकते हैं वेतन भी काफ़ी हैंडसम है, आपकी एक पोस्ट आ चुकी है। असिस्टेंट यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर के असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की है, ऑफिस असिस्टेंट के, टेक्निकल असिस्टेंट की, लैब टेक्नीशियन की और लैब असिस्टेंट की, सीनियर लैब असिस्टेंट की और जूनियर स्टेनोग्राफर की, स्टोर कीपर की और असिस्टेंट स्टोर कीपर की। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं टोटल ओवरऑल यहाँ पे जो है 45 पोस्टों पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सो दोस्तों, आप जरूर अप्लाई करिएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी जो क्या है, एक दो पोस्ट देख करके उसमें अप्लाई ही नहीं करते। सो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप जरूर इसमें अप्लाई करें अगर आप 2022 में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की सारी पोस्टिंग आ चुकी है, और इसका अभी तक पूरा नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, यहाँ पर ये शॉर्ट नोटिस है। जैसे ही इनका पूरी डिटेल आती है, हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा देंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो का जो केवल इंटेंशन इतना रखा गया कि आपको बिल्कुल इसकी जानकारी मिल जाए कि ये भर्ती आपके लिए आने वाली है। सो दोस्तों, अब बात कीजिए आपकी एज की, तो आप यहाँ पे कम से कम 18 साल के होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 27 साल, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है 35 और 45 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप जो है अप्लाई इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके करना होगा, जो आप देख सकते हैं https://dpsru। आपको इनकी इस ये जो यहाँ पे वेबसाइट इन्होंने देर किए, यहाँ से दोस्तों आपको आवेदन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या अधिक जानकारी लेके लिए इनकी इस ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे ही इनका कोई नोटिफिकेशन आता है, हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आप ऐसे ही रोजाना सरकारी गवर्नमेंट नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।